हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको चित्रकला के विषय में, और यह कक्षा 10 का चित्रकला का सिलेबस है। आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना कि सिलेबस में दिया हुआ है, और उसी के बारे में जानकारी ले लेना है। और जानकारी लेकर के और इतना ही तैयारी करके आप लोग यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो दिया गया है उसी पर काम आप करिए, इतना पर्याप्त आपके लिए होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 70 नंबर का पेपर है, तो इसमें जो भी पूछा जाएगा आपसे, चित्रकला है, आपको मैं बता दूं पहले 2023 और 2024 सत्र के लिए सिलेबस है आपका। और इसमें जो चीज़ दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो होगा 3 खंड में होगा। प्रश्न पत्र कितने खंड में होगा? 3 खंड में होगा। जो जिसमें खंड ए आपका जो होगा, जो खंड क, वो आपका अनिवार्य होगा। शेष खंडों में से एक करना होगा। जैसे खंड क है, खंड खंड ख है, और एक और खंड है आपके पास यहाँ पर जो खंड ग है। 3 खंड है, मैंने आपको बताया खंड 3 खंड है। इसमें 3 खंड में से ये वाला आपका अनिवार्य है, ये मतलब ये आपको करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना। जैसे इसमें क्या करना होगा, आइए, खंड आपको 45 अंक देगा, 45 अंक देगा, जो आपको अनिवार्य है। प्राकृतिक दृश्य, इसमें क्या करना होगा, प्राकृतिक दृश्य, जैसे दृश्य चित्र, जैसे उषा काल, संध्या काल, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण, मतलब प्राकृतिक चीज का, जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से भरा से भरे, और माप क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का। जैसे कि आप 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबाई ले लेंगे, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लेंगे। या अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आलेखन चतुर्भुज अथवा वृत्त में कोई, वित्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं, और उसमें से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। इसका माप कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, मतलब माप इसका, ये दोनों में से। अथवा एक और है, जो लोग प्राविधिक कला पढ़ते हैं वो लोग क्या करेंगे, ये तो केवल चित्रकला के लिए जो चित्र ड्राइंग करते हैं, लेकिन ये प्राविधिक कला जो ज्यामिति के अंतर्गत आता है, प्राविधिक कला के अंतर्गत स्पर्शी तथा बाह्य स्पर्शी अंतर्गत एक परिगत आकृतियां रेखाओं तथा वृत्त को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्णय, ज्यामिति आलेखन और साधारण एवं कोणवत पैमाना, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये आपके लिए यहाँ तक जो भी है, ये आपका खंड क है, ये आपका अनिवार्य है। प्राविधिक कला वाले इसको करेंगे, प्राविधिक कला वाले इसको करेंगे, और जो चित्रकला वाले होंगे, जो आलेखन वाले होंगे, आलेखन वाले, तो आलेखन वाले दोनों में से कोई एक कर लेंगे। अब चलते हैं अगले खंड पर, जो इसमें दोनों में से कोई एक करना होगा, या तो खंड ख करे स्मृति चित्रण या भारतीय चित्रकला, इसमें से कोई एक करेंगे, कोई भी इसमें से आपको एक करना होगा। जैसे कि हम स्मृति चित्र में बात करें, ये 25 अंक का आएगा, या तो एक इसको करें या तो इसको करें, ये पहले ही आपको बता दिया। जैसे कि स्मृति चित्र में साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे घरेलू बर्तन, जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास तथा तरकारी, फल, पेंसिल द्वारा रेखांकित करना होगा। ये आपका 25 अंक का आराम से बना लीजिएगा इसको। या आप अगर इसको नहीं करना चाहते तो खंड ग करिए आप। इस खंड में 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे आपको, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो अनिवार्य होगा। जैसे कि इसमें क्या करना है आपको, जैसे क्या करना है आपको, चित्र कला का प्राचीन उल्लेख करिए और चित्रकला की विशेषताएं बताइए, या प्रागैतिहासिक काल क्या है, मतलब कि इसमें से तीनों में से कोई दो प्रश्न करना होगा। अगर 2 प्रश्न आप बना लेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी चीज़ करें, जो भी देखें, वो आप लोग अपने, मतलब
क्वेश्चन को जो भी चीजें हैं समझ समझ करके आप बनाएं, और उसके बाद से चीजों को करने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।